हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन विभाग एकेडमी। आई एम अंकिता, योर फ्रेंड। और गाइस, फाइनली आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका सबका बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक, जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो यस गाइस, आज के क्लास में हम लोग फाइनली स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स में मेंशन किया था कि आप लोगों को चैप्टर नंबर 10 हैलोजन डेरिवेटिव स्टार्ट किया जाए आप लोगों के लिए, ठीक है, जिसका नाम हैलोजन डेरिवेटिव है, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। यस, तो यहाँ से मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि चैप्टर नंबर 10 से लेके अब आने वाले जितने भी आपके चैप्टर्स हैं, वो सारे के सारे आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर बेस्ड है। मतलब वो सारे के सारे चैप्टर्स में आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस पढ़ने। अब सबसे खास बात ये है कि ये वाले चैप्टर्स में आपको न्यूमेरिकल्स एक भी सॉल्व नहीं करना है। मतलब क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं, न्यूमेरिकल्स वाले जो क्वेश्चन होते थे, कैलकुलेशन वाले, वो क्वेश्चन आएंगे नहीं। सेकेंड थिंग ये है कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन है। तो जिसको रिएक्शन एक बार में समझ गई, वो सारे चैप्टर्स में रॉक करेगा रॉक। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सबसे खास बात ये कि अगर आपने एक चैप्टर का एक लेसन भी मिस किया है, मतलब एक चैप्टर का एक वीडियो लेक्चर भी अगर मिस किया है, तो आने वाला वीडियो लेक्चर आपको नहीं समझेगा। इसी के अलावा नेक्स्ट चैप्टर का भी वीडियो नहीं समझेगा, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसा है कि अगर आपने एक चैप्टर को देखा तो आप पूरे चैप्टर को देखो, या तो फिर आप एक भी चैप्टर को मत देखो। उसका कहना ऐसा है क्योंकि जो रिएक्शन आप हैलोजन डेरिवेटिव में देखोगे, वही रिएक्शन आपको अल्कोहल, फिनॉल, ईथर वाले चैप्टर में देखने को मिलेंगी। हेडिंग अलग रहेगा लेकिन रिएक्शन वही रहेगी। वही रिएक्शन आपको एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में भी देखने को मिलेगी। वही रिएक्शन आपको एनिलीन में भी देखने को मिलेंगी, अमीन्स में भी देखने को मिलेगी। ऐसा है, मतलब रिएक्शन जो है वो रिपीट होते जाती है। अगर आपको एक चैप्टर भी एकदम बढ़िया तरीके से समझ गया ना, तो सेकेंड चैप्टर में आने वाले बेसिक्स आपको सब समझ जाएंगे। तो ऐसा है, तो पूरे के पूरे चैप्टर्स आपके लिंक है, स्पेशली चैप्टर नंबर 10 हैलोजन डेरिवेटिव, चैप्टर 11 अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, चैप्टर 12 एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड चैप्टर 13 जिसका नाम है आपका अमीन्स। बायोमोलिक्यूल्स में कुछ बायोलॉजी का भी है और कुछ रिएक्शंस भी है, तो उसको फिलहाल के लिए हम लोग साइड में रखते हैं। तो अभी आपको इतना क्लियर आइडिया मिल गया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको एक चैप्टर नहीं देखा तो बाकी चैप्टर्स देखे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसका पार्ट उसमें रहेगा। सेकंड थिंग ये है, रिएक्शन में अपना हैंड परफेक्ट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, प्रैक्टिस। अगर आप रिएक्शन को 10-10 बार पढ़ लेते हो, सिर्फ पढ़ते हो, तो मैं आपको लिख के देती हूँ कि आपको पेपर में रिएक्शन सॉल्व करते नहीं आएगी। ज़रा ध्यान से सुनो, 10 बार पढ़ लेने से रिएक्शन पेपर में सॉल्व नहीं होती है। उसका रीज़न ये है कि ये फिजिकल केमिस्ट्री या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को प्रैक्टिस लगता है, एक कॉपी लेके बैठने का और प्रैक्टिस करने का। अगर आपने कॉपी में प्रैक्टिस नहीं किया तो आपको ये चीज़ नहीं समझेगी, ठीक है। प्रैक्टिस से ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर को, जिसका नाम है हैलोजन डेरिवेटिव। हैलोजन डेरिवेटिव जो है वो चैप्टर नंबर 10 का है और बहुत ज़्यादा ईजी चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इसके बाद आने वाले सारे चैप्टर्स थोड़े से हायर लेवल के रहेंगे, बट ये वाला चैप्टर बहुत मस्त चैप्टर है और इजी भी है। चलिए देखते हैं इस चैप्टर को। चैप्टर नंबर टेन जिसका नाम है हैलोजन डेरिवेटिव। चलिए, सबसे पहली चीज़ दिमाग में आती है कि अगर नाम हैलोजन डेरिवेटिव है, मतलब इसके अंदर में कहीं ना कहीं हैलोजन तो आने वाला है। अगर हैलोजन आएगा, इसीलिए तो उसका नाम क्या है, हैलोजन डेरिवेटिव। तो इस नाम को पढ़ के इतना मुझे आइडिया मिला कि इस चैप्टर के अंदर में मुझे जितने भी रिएक्शंस पढ़ना है, जितने भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ना है, उसमें सब में आपका हैलोजन आने वाला है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। दिमाग में क्वेश्चन आता है, ये हैलोजन क्या चीज़ है। हैलोजन को जनरली हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो एक्स है, ये आपका एफ भी हो सकता है, मतलब फ्लोरीन भी हो सकता है, एफ मतलब फ्लोरीन होता है। ये आपका सीएल भी हो सकता है, सीएल मतलब क्लोरीन होता है। ये आपका ब्रोमीन भी हो सकता है, बीआर मतलब ब्रोमीन होता है। और ये आपका आयोडीन भी हो सकता है, आई मतलब आयोडीन होता है, ठीक है। तो फिलहाल मुझे इतना समझ में आया कि अगर मैं हैलोजन डेरिवेटिव वाले चैप्टर की बात करती हूँ, तो इस चैप्टर के अंदर में मुझे जितनी भी केमिकल रिएक्शंस देखने की है, उन सब में कहीं ना कहीं हैलोजन आने वाला है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही हैलोजन डेरिवेटिव है। फिर हैलोजन क्या होता है, हैलोजन मतलब उसको हम लोग जनरली एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं।
अब आपको चैप्टर के अंदर में जहाँ पे भी एक्स दिखेगा तो आप समझ जाना वो हैलोजन है, ठीक है, क्योंकि हैलोजन को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसी एक्स का मतलब फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है, ये चारों के चारों आपके हैलोजन से। फिर दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि हैलोजन जो है वो फॉर्म कैसे होता है, हैलोजन डेरिवेटिव जो है वो फॉर्म कैसे होता है। तो आप क्या करते हो, जब आप हाइड्रोकार्बन को लेते हो, हाइड्रोकार्बन को जब आप लेते हो, हाइड्रोकार्बन के अंदर से जब आप हाइड्रोजन को निकालते हो, ये जस्ट मैं बेसिक सा आइडिया दे रही हूँ, अभी मैं रिएक्शन स्टार्ट नहीं कर रही हूँ। रिएक्शन हम लोग जब तक स्टार्ट नहीं कर सकते जब तक कि आप IUPAC नेम नहीं पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में पोजीशंस कैसे आती है वो नहीं पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ेंगे जब तक कि रिएक्शन नहीं पढ़ सकते, क्योंकि रिएक्शंस में फिर आपको नाम देने पड़ते हैं। तो जस्ट अभी मैं एक आपको शॉर्ट आइडिया दे रही हूँ कि कैसे क्या होगा। हाइड्रोकार्बन में से जब आप हाइड्रोजन को निकालते हो और हाइड्रोजन के जगह पे जब आप हैलोजन को ऐड करते हो तो उस चीज़ को आप बोलते हो हैलोजन डेरिवेटिव। इस चीज़ को क्या बोला जाता है, हैलोजन डेरिवेटिव। क्लियर हो गया इतना? तो अभी फ़िलहाल मैंने बस इतना बताया कि हैलोजन डेरिवेटिव में हैलोजन्स आते हैं, हैलोजन्स को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन होते हैं, कोई भी आ सकते हैं। और हैलोजन डेरिवेटिव फॉर्म कैसे होते हैं, आप हाइड्रोकार्बन को लेंगे, हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे, हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे और हैलोजन को ऐड कर देंगे, और हैलोजन को ऐड कर देंगे, तो उससे आपका क्या फॉर्म होगा, हैलोजन डेरिवेटिव। लो भाई सारे के सारे इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट। अब क्लासिफिकेशन को देखने से पहले एक बार मैं थोड़ा सा बेसिक लेती हूँ। रीज़न ये है, बुक में तो सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन कहना मुझे ये है, अगर मैंने बेसिक नहीं पढ़ाया और डायरेक्टली ये पार्ट को स्विच कर दिया तो आप लोगों को कहीं ना कहीं बेसिक्स बिल्डअप होने में टाइम लगेगा और आप मिस्टेक्स होने की प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा रहेगी वहाँ पे, ठीक है। इसलिए हम लोग बेसिकली धीरे धीरे लेके चलते हैं ताकि आपके बेसिक्स क्लियर हो। अगर एक बार बेसिक क्लियर हो जाता है तो नेक्स्ट चैप्टर में भी वो बेसिक का आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। चलिए देखते हैं, एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं हम लोग सारे के सारे हाइड्रोकार्बन्स को। चलिए देखते हैं, ज़रा इधर ध्यान देंगे सारे के सारे स्टूडेंट्स। अगर मैं बात करती हूँ हाइड्रोकार्बन की, अगर मैं हाइड्रोकार्बन की बात करती हूँ तो हाइड्रोकार्बन के अंदर में मैंने ये ऑब्जर्व किया, स्पेशली मुझे 4 टाइप्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। सबसे पहला टाइप जो है वो ये है कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन रहेगा, जिसमें कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन रहेगा, ठीक है। एक रहता है आपका कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, एक रहता है आपका कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, और एक रहता है आपका एरोमेटिक रिंग। चलिए सारे के सारे इधर ध्यान देंगे। सबसे पहली और सबसे काम की चीज़ जो है वो ये है, आपको ये याद रखना है कि जो कार्बन होता है, कार्बन कार्बन की वैलेंसी जो होती है, कार्बन की वैलेंसी हमेशा कितनी होती है, 4। इसी का मतलब क्या हुआ, इसी का मतलब ये हुआ कि कार्बन जो होता है वो हमेशा 4 चीज़ों से अटैच रहता है। फिलहाल मुझे इतना समझ में आया कि हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उसको मुझे पढ़ना ज़रूरी है। अगर मुझे हाइड्रोकार्बन नहीं पता तो मैं हैलोजन डेरिवेटिव को नहीं पढ़ सकती, क्योंकि हैलोजन डेरिवेटिव के लिए बेसिक थिंग है हाइड्रोकार्बन। ये पार्ट ऑलरेडी 11th में था, बट मुझे पता है कि आप लोगों ने 11th का वीडियो लेक्चर नहीं देखा होगा, इसीलिए मैं इस चीज़ को एक बार रिवाइज करवा रही हूँ। कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो हमेशा कितनी होती है, 4। इसी का मतलब क्या हुआ कि जो कार्बन होता है वो हमेशा 4 बॉन्ड फॉर्म करता है, 4 चीज़ों से अटैच होता है। अब ज़रा आप मुझे बताओ, यहाँ पे कार्बन के ने सिर्फ और सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाया है, 2, 3, 4, ठीक है। यहाँ पे भी कार्बन ने एक ही बॉन्ड बनाया है, 2, 3, 4। मैक्सिमम लोग क्या गलती करते हैं, आप लोग अपनी गलती देखो, आप लोग क्या करते हो, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन में भी 4 लगा देते हो और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में भी 4 लगा देते हो, जो कि एब्सोल्युटली रॉन्ग होता है। उसका रीज़न ये है क्योंकि आपको वैलेंसी पता नहीं होती है। अगर हमें वैलेंसी पता चल जाए तो हाँ, हम लोग बॉन्ड्स बराबर निकालते हैं और बॉन्ड्स को रट्टा मारने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। इधर देखो, अब कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। कार्बन हमेशा सिर्फ और सिर्फ 4 ही बॉन्ड बनाता है। अब यहाँ पे ऑलरेडी कार्बन 2 बॉन्ड बना चुका है, तो कितने बॉन्ड बनाने के बचे हुए हैं, 2, 1 और 2। यहाँ पे आप इसके जैसे 3 नहीं निकाल सकते, क्यों, क्योंकि कार्बन टोटल बॉन्ड 4 ही बनाता है,
क्योंकि कार्बन टोटल बॉन्ड 4 ही बनाता है। यहाँ पे देखो ये हुआ आपका 1, 2, 3, 4, यहाँ पे देखो 1, 2, 3, 4, क्योंकि कार्बन हमेशा सिर्फ और सिर्फ 4 ही बॉन्ड बनाता है एट वन टाइम। अब इधर देखो, यहाँ पे इस कार्बन ने ऑलरेडी 2 बॉन्ड बना लिए, 1, 2, टोटल कितने बनाता है 4, ऑलरेडी 2 बना लिए तो बचे कितने, तो 1, 2। इधर आ जाओ, इस कार्बन की अगर बात करती हूँ तो इस कार्बन ने भी यहाँ पे 2 बॉन्ड बना लिए, 1, 2, 3, 4, समझ गए ना। तो गलती से भी ये वाली गलती आप लोग मत करना जो मैक्सिमम लोग करके आते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं रहता कि वैलेंसी कितनी और बॉन्ड कितने फॉर्म करना है। क्लियर हो गया ना, ये सबसे बेसिक थिंग है। मैं सारे चैप्टर में ऑर्गेनिक का बेसिक नहीं पढ़ाऊंगी, इसी चैप्टर में पढ़ा दूंगी, तो बाकी सारे चैप्टर्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। इधर देखो, अब यहाँ पे कार्बन ऑलरेडी 3 बॉन्ड बना चुका है, 1, 2, 3, यहाँ पे कार्बन ऑलरेडी 3 बॉन्ड बना चुका है और कार्बन टोटल कितने बॉन्ड बनाता है 4, तो एक बॉन्ड आपका यहाँ फॉर्म होगा, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ इस कार्बन की, तो ये कार्बन ऑलरेडी आपके 3 बॉन्ड बना चुका है, ऑलरेडी 3 बॉन्ड बना चुका है और कार्बन टोटल बॉन्ड कितने बनाता है 4, तो अब बस एक ही बॉन्ड बनाएगा। कुछ लोग यहाँ पे गलती करके आ जाते हैं, कुछ लोग यहाँ पे ही कुछ इस तरीके से इसको लिखते हैं, आप ये गलती भूल के भी मत करना, समझ गए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करती हूँ इस कार्बन की, इस कार्बन को ज़रा देखते हैं, इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए, ये बनाया इसने 1, ये बनाया 2, ये बनाया 3, अब एक ही बनाएगा। इस कार्बन को देखो, इस कार्बन ने 1, 2, 3 बॉन्ड ऑलरेडी बना दिया, अभी एक ही बनाएगा। ऐसे सारे कार्बन सिर्फ और सिर्फ एक ही बॉन्ड को बनाते हैं। क्लियर हो गया इतना, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो आपका कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन होता है, इसी को हम लोग अल्केन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से आपके बेसिक की एक्चुअल स्टार्टिंग होती है। जब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन आ जाता है तो इसी को आप अल्कीन बोलते हो, कीन। और जब कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन आता है, मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड आते हैं, तो इसी को आप अल्काइन बोलते हो। और ये जो है इसको आप एरीन भी बोलते हो और इसको आप एरोमेटिक भी बोलते हो, ठीक है। तो इस तरीके से फिलहाल मैंने आपको हाइड्रोकार्बन बताया, क्योंकि अगर हाइड्रोकार्बन ही नहीं पता तो क्या आप हैलोजन डेरिवेटिव बना सकते हो, नहीं। इसका मतलब यह है कि अगर आपको अलग अलग टाइप के हैलोजन डेरिवेटिव्स को बनाना है तो सबसे पहले तो आपको हाइड्रोकार्बन के अलग अलग टाइप्स पता होने चाहिए। तो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन मतलब अल्किन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन मतलब अल्किन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन मतलब अल्काइन, और अगर एरोमेटिक रिंग आ जाए तो आप उसको एरोमेटिक भी बोल सकते हो, आप उसको अरिन भी बोल सकते हो, दोनों नाम एक्यूरेट है। फिर मैंने ये बताया कि बॉन्ड देते वक्त ऐसा नहीं कि आप रट्टा मारेंगे कि अल्काइन में 2 ही बॉन्ड होते हैं, अल्काइन में 2 ही बॉन्ड होते, ऐसा रट्टा मत मारो, चेक करो ना। वैलेंसी 4 है तो अगर उसने 2 बना दिया है तो बचे कितने, और 2, 1, 2, इस तरीके से बनाते जाओ। तो लो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट, है बेसिक पार्ट है। चलिए अब हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन को पढ़ लिया, अब हम लोग देखेंगे हैलोजन डेरिवेटिव के क्लासिफिकेशन को। अब जो हैलोजन डेरिवेटिव है उसको अलग अलग वे से आप क्लासिफाई कर सकते हो, मतलब कुछ बेसिस पे आप करोगे, कुछ अलग बेसिस पे आप करोगे, बहुत सारे बेसिस पे हम हैलोजन डेरिवेटिव का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। सबसे काम की चीज़ ये है, अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि हैलोजन डेरिवेटिव के क्लासिफिकेशन से पेपर में कोई क्वेश्चन आएगा, तो आप लोग एब्सोल्युटली रॉन्ग हो, क्योंकि हैलोजन डेरिवेटिव चैप्टर के मैंने 15 ईयर्स का पेपर एनालिसिस किया है, उसके बाद में ही मैं आपको बता रही हूँ। अक्टूबर, जून और फेब वाले सभी पेपर्स को मैंने देखा है, मार्च वाले मतलब, और फिर मैं बता रही हूँ 15 ईयर्स के। उसमें कहना मुझे यहाँ पे जो है वो ये है कि हैलोजन डेरिवेटिव के चैप्टर के क्लासिफिकेशन से कोई क्वेश्चन पेपर में नहीं आता है। फिर क्लासिफिकेशन हमें क्यों पढ़ना है? अगर आप क्लासिफिकेशन को नहीं पढ़ोगे तो आप एक भी रिएक्शन के अंदर में कंपाउंड्स का नाम ही नहीं दे पाएंगे। आपको समझ में नहीं आएगा कि ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये कौन सा है, आपको समझ में नहीं आएगा कि ये अल्काइन है, अरीन्स है, ये भी समझ में नहीं आएगा बेंजाइलिक है, अलाइलिक है, विनाइलिक है। तो उन सबको पढ़ने के लिए, वो सारे के सारे रिएक्शंस को डिस्कस करने के लिए हमें ये क्लासिफिकेशन को पढ़ना पड़ता है, क्योंकि क्लासिफिकेशन से हमें अलग अलग टाइप के नेम्स पता चलते हैं। और ये जो नेम्स है ये आपको इस चैप्टर में नहीं, आने वाले नेक्स्ट 2-3 चैप्टर्स में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो चलिए फटाफट से देखते हैं हैलोजन डेरिवेटिव के क्लासिफिकेशन को फर्स्ट बेसिस पे। क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव, क्लासिफिकेशन of halogen derivative,
हैलोजन डेरिवेटिव्स का क्लासिफिकेशन जो है वो हम लोग फर्स्ट बेसिस पे कर रहे हैं, और वो फर्स्ट बेसिस है आपका ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोकार्बन स्केलेटन टू विच हैलोजन इज अटैच्ड। चलिए, तो ये जो क्लासिफिकेशन आपका किया गया है, ये क्लासिफिकेशन किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोकार्बन स्केलेटन। दिमाग में क्वेश्चन आता है ये हाइड्रोकार्बन स्केलेटन क्या चीज़ है, समझ में आएगा, थोड़ा सा वेट करो, बस थोड़ा सा। चलिए देखते हैं, जो आपका फर्स्ट टाइप होता है वो होता है आपका हेलो अल्किन, ये फर्स्ट टाइप का क्लासिफिकेशन है। सेकेंड क्लासिफिकेशन आपका होता है हेलो अल्किन। थर्ड टाइप का आपका क्लासिफिकेशन होता है हेलो अल्काइन, और फोर्थ टाइप का क्लासिफिकेशन आपका होता है हेलो अरीन। तो ये जो फोर टाइप के हैं क्लासिफाइड थिंग्स, ये आपको ये कहता है कि जो भी हैलोजन डेरिवेटिव्स है उसको मैंने फर्स्ट बेसिस पे क्लासिफाई किया है, और फर्स्ट बेसिस आपका है ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोकार्बन स्केलेटन टू विच द हैलोजन इज अटैच। चलिए देखते हैं, यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ हेलो अल्केन के, तो आपको फिलहाल ये नहीं देखना है, आपको ये नहीं देखना है कि ये क्या है, हेलो अल्केन है, ये सब देखो ही मत। फिलहाल आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्ड दिखना चाहिए, और वो है अल्केन। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि अल्केन में हमेशा क्या होता है, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन होता है। तो मैं इसके अंदर में क्या लिखूंगी, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। ठीक है, समझ में आ गया इतना। अब यहाँ पे लिखा है हेलो, हेलो का मतलब ही क्या होता है, हेलो का मतलब होता है भाई हेलोजन। हेलो का मतलब क्या होता है, हेलोजन होता है। तो मैं इससे अटैच करूंगी हेलोजन को। तो फिलहाल मुझे इतना समझ में आया कि ये अल्केन है, हेलो अल्केन मत पढ़ो, ये अल्केन है। और अल्केन में क्या होता है, जस्ट अभी देखा था, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन होता है। हेलो का मतलब ही हेलोजन होता है, और मैंने हेलोजन को लगा दिया। अभी फ़िलहाल हम हाइड्रोजन को नहीं लगाते, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करती हूँ हेलो अल्किन की, तो पहले आप इसको हेलो अल्किन मत पढ़ो, नहीं तो प्रॉब्लम जाएगा। और ऐसे भी मत पढ़ना, हेलो अल्किन ऐसे मत पढ़ना। समझ में आ रहा है, ज़रा देखो इधर, ये क्या है, ये है आपका अल्किन। अल्किन में क्या होता है, जस्ट अभी देखा था, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। अल्किन में क्या होता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। तो मैं लिखूंगी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। ठीक है भाई, इसका नाम क्या है, अगर मैं बात करती हूँ इसके नाम की, तो इसका नाम क्या है, हेलो अल्किन्स। इसका नाम क्या है, हेलो अल्किन्स। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपका हेलोजन आएगा। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, अल्किन का सेकेंड वेराइटी भी आप ले सकते हो, यहाँ पे भी हाइड्रोजन आएगा। तो फिलहाल मैं हाइड्रोजन नहीं लगा रही हूँ, सिर्फ आप इतना देखो इसका नाम क्या है, हेलो अल्किन। अल्किन है, अल्किन में हमेशा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन आता है, तो मैंने दोनों तरफ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन लगाया। नाम क्या है, हेलो, इसलिए मैंने दोनों को क्या लगाया, हेलोजन। अगर मैं बात करती हूँ अल्काइन की, अल्काइन में हमेशा कितने होते हैं भाई कार्बन और कार्बन के बीच में, बॉन्ड, 3 बॉन्ड। अल्काइन में क्या होता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। और नाम के सामने में क्या है हेलो, इसलिए क्या लगाएंगे, हेलोजन लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपको इसको हेलो अरीन नहीं पढ़ना है, आप इसको पढ़ेंगे अरीन। सबसे पहले आप अरीन को पढ़ो, हेलो अरीन मत पढ़ो, क्या पढ़ेंगे, अरीन पढ़ेंगे। और अरीन का मतलब ही क्या होता है, अरीन का मतलब होता है एरोमेटिक रिंग। अरीन का मतलब क्या होता है भाई, एरोमेटिक रिंग। तो मैं ड्रॉ करूँगी आपकी एरोमेटिक रिंग को। एरोमेटिक रिंग को आप दो वे से ड्रॉ कर सकते हो, एक तो आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, या तो आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो। ये दोनों वे करेक्ट है एरोमेटिक रिंग को ड्रॉ करने के लिए। जिनको ये बॉन्ड देने में प्रॉब्लम जाती है, ज़्यादा टेंशन मत लो, अंदर में बस सर्कल ड्रॉ कर देना, गोल ड्रॉ कर देने का काम इज ख़त्म। यहाँ पे नाम क्या है, हेलो अरीन। नाम क्या है भाई, हेलो अरीन। मतलब मैं इसको क्या अटैच करूँगी, मैं इसको हेलोजन अटैच करूँगी। इसको भी मैं क्या अटैच करूँगी, हेलोजन अटैच करूँगी। क्लियर हो क्या इतना। अब भाई हम लोग देंगे हाइड्रोजन अटैच करेंगे। अगर मैं बात करती हूँ हाइड्रोजन की, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, हमें उससे फिलहाल कोई भी लेना देना नहीं है।
इधर देखना है ज़रा, अगर मैं बात करती हूँ कार्बन की, तो कार्बन की टोटल वैलेंसी कितनी होती है? कार्बन की वैलेंसी होती है 4। मतलब कार्बन जो होता है टोटल बॉन्ड कितने बनाता है? 4। करेक्ट है। अगर मैं देखती हूँ इस कार्बन को, ज़रा ध्यान देना, इस कार्बन की अगर मैं बात करती हूँ, इस कार्बन ने सिर्फ और सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाया। कार्बन टोटल बॉन्ड कितने बनाता है? 4। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। यहाँ पे कार्बन ने एक ही बॉन्ड बनाया तो 2, 3, 4। ठीक है। अब इस कार्बन की बात करते हैं, इस कार्बन ने टोटल कितने बॉन्ड बनाए? 1, 2। इस कार्बन ने टोटल कितने बॉन्ड बनाए? 1, 2, 3, 4, क्योंकि टोटल 4 होती है। यहाँ पे आ जाओ, अगर मैं इस कार्बन को देखती हूँ तो इस कार्बन ने टोटल बॉन्ड कितने बनाए? 1, 2। टोटल कितने बना सकता है वो? 4। वैलेंसी कितनी है? 4। बट बनाए कितने हैं? 2। तो 3, 4। अगर मैं इस कार्बन की बात करती हूँ, इस कार्बन ने अभी कितने बॉन्ड बनाए हैं? 1, 2, 3, 1, 2, 3। टोटल कितनी वैलेंसी होती है कार्बन की? 4। तो एक कार्बन यहाँ आएगा। इधर आ जाओ, अगर मैं इस कार्बन की बात करती हूँ तो इस कार्बन ने टोटल बॉन्ड कितने बनाए? 2। वैलेंसी कितनी होती है? 4। इस कार्बन की अगर मैं बात करती हूँ, इस कार्बन ने टोटल बॉन्ड कितने बनाए? 1, 2 और ये 3। टोटल कितने बना सकता है? 4। तो एक दे दिया। इस कार्बन ने कितने बनाए? 1, 2। टोटल वैलेंसी कितनी होती है? 4। तो 3, 4। क्लियर हो गया ना। यहाँ पे हाइड्रोजन भी आ सकता है, अल्किल भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, हमें उससे फिलहाल कोई भी लेना देना नहीं है। अगर मैं बात करती हूँ इस कार्बन की, इस कार्बन ने टोटल बॉन्ड कितने बनाए? 1, 2, 3। वैलेंसी कितनी होती है? 4। तो एक यहाँ आ जाएगा। इस कार्बन की अगर मैं बात करूँ तो इसने कितने बॉन्ड बनाए? 1, 2, 3, 4। इस कार्बन ने ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना लिए, तो अब यहाँ पे ऊपर या नीचे कोई भी बॉन्ड नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 4 हो चुके हैं, 1, 2, 3, 4। और अगर मैं बात करती हूँ इन सब की, तो यहाँ पे एक एक बॉन्ड आएंगे, यहाँ पे कुछ भी अटैच हो सकता है। ठीक है। तो ये हुआ आपका क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोकार्बन स्केलेटन। हाइड्रोकार्बन स्केलेटन का मतलब ये है कि कभी हाइड्रोकार्बन अल्केन हो सकता है, कभी अल्कीन हो सकता है, कभी आपका हाइड्रोकार्बन अल्काइन हो सकता है, कभी एरोमेटिक रिंग या अरीन हो सकता है। मतलब हाइड्रोकार्बन स्केलेटन क्या है? चेंज होते जा रहा है और सभी से आपका हैलोजन अटैच है। तो ये हुआ आपका फर्स्ट टाइप का क्लासिफिकेशन। आई होप सबको एकदम बेस्ट तरीके से क्लियर हो गया होगा। जो भी यहाँ पे है, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, हाइड्रोजन, अल्किल ग्रुप, कुछ भी आ सकता है। इतना क्लियर है आई होप सबको। तो ले लो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट। चलिए गाइस, अब हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव को फर्स्ट वे से देख लिया। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड वे कैसा होता है, कि जिस तरीके से हम लोग हैलोजन डेरिवेटिव्स वाले कंपाउंड्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। चलिए देखते हैं सेकेंड वे ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स। तो आपका जो भी सेकेंड वे है क्लासिफिकेशन का, वो किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन आइटम्स अटैच। तो सेकेंड वे आपके क्लासिफिकेशन का है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन आइटम्स अटैच, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन आइटम्स अटैच। कितने हैलोजन आइटम अटैच है, उस बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन कर रखा है। तो इसका जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है वो है आपका मोनो हैलोजन कंपाउंड। फर्स्ट क्लासिफिकेशन है भाई आपका मोनो हैलोजन कंपाउंड। सेकंड क्लासिफिकेशन आप लोग ही मुझे बता दो क्या रहेगा। अगर एक है मोनो, मोनो का मतलब एक होता है, तो एक के बाद में क्या आता है? वन के बाद में क्या आता है भाई? टू आता है। वन मतलब मोनो होता है, तो टू मतलब क्या होगा? डाई। तो मैं क्या लिखूंगी? डाई हैलोजन कंपाउंड, डाई हैलोजन कंपाउंड। अब वन के बाद में टू आता है, टू के बाद में क्या आता है? थ्री आता है। तो ऐसे रट्टा मत मारो कि मोनो डाई, रट्टा मत मारो, सिर्फ ध्यान से देखो, कंसेप्चुअली समझने की कोशिश करो। ये है वन, वन के बाद टू आता है, टू के बाद थ्री आता है। वन मतलब मोनो होता है, तो टू मतलब क्या होगा? डाई। और थ्री मतलब क्या होगा भाई? ट्राई। तो मैं क्या लिखूंगी? ट्राई हैलोजन कंपाउंड। तो आई होप कि इतनी चीज सबको एकदम बेस्ट तरीके से क्लियर हो गई होंगी कि एक है मोनो हैलोजन कंपाउंड, सेकेंड है आपका डाई हैलोजन कंपाउंड और थर्ड है आपका ट्राई हैलोजन कंपाउंड। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर मैं बात करती हूँ मोनो हैलोजन कंपाउंड की,
अगर मैं मोनो हैलोजन कंपाउंड की बात करती हूँ तो नाम ही है भाई मोनो, और मोनो का मतलब क्या होता है? वन। मतलब इसके केस के अंदर में सिर्फ और सिर्फ एक ही हैलोजन रहेगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही हैलोजन एटम प्रेजेंट रहेगा, क्योंकि नाम ही क्या है? मोनो। अगर मैं बात करती हूँ डाई की, तो डाई का मतलब ही होता है टू। मतलब ऐसे कंपाउंड्स के अंदर में हैलोजन कितने रहेंगे? टोटल टू हैलोजन्स, क्योंकि नाम ही क्या है? डाई हैलोजन। मतलब ही दो हैलोजन, मतलब ही टू हैलोजन अटैच्ड। अगर मैं बात करती हूँ ट्राई हैलोजन कंपाउंड की, नाम ही क्या है उसका? ट्राई हैलोजन। और ट्राई का मतलब क्या होता है? ट्राई का मतलब होता है थ्री। मतलब ऐसे कंपाउंड में आपके हैलोजन कितने अटैच रहेंगे? टोटल थ्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करती हूँ इस कंपाउंड की, तो इस कंपाउंड में मैंने यहाँ पे ये जाना कि सपोज अगर मैं कोई रिंग ले लेती हूँ, लेट अस से CH3, CH2 और ये रिंग, सपोज मैंने ले लिया ये वाली चीज़ को, तो मैंने यहाँ पे ये देखा कि यहाँ पे भी सिर्फ और सिर्फ एक ही हैलोजन है, यहाँ पे भी सिर्फ और सिर्फ एक ही हैलोजन है। मतलब ये दोनों आपके किसके एग्जाम्पल हुए? मोनो हैलोजन कंपाउंड के। तो मोनो हैलोजन कंपाउंड में हैलोजन कितना होता है? सिर्फ और सिर्फ एक होता है, क्योंकि नाम ही क्या है? मोनो हैलोजन। तो देखो इस एग्जाम्पल में भी सिर्फ और सिर्फ एक ही हैलोजन है, तो ये भी मोनो हैलोजन कंपाउंड का ही एग्जाम्पल है। वो नाम वगैरह सब बाद में देखेंगे, फिलहाल आप क्लासिफिकेशन को ऑब्जर्व करो, मैं सब करा दूंगी, टेंशन बिल्कुल मत लो। इसकी अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पर भी सिर्फ और सिर्फ एक ही हैलोजन है, मतलब ये भी आपके मोनो हैलोजन कंपाउंड का ही एग्जाम्पल है। चलिए आते हैं डाई हैलोजन कंपाउंड में। डाई हैलोजन कंपाउंड में आपको दो वैरायटी देखने को मिलती है। डाई हैलोजन कंपाउंड में आपको दो वैरायटी देखने को मिलती है। अगर मैं बात करती हूँ इस टाइप की वैरायटी की CH3, एक सेकेंड, डाई हैलोजन कंपाउंड में दो टाइप की जो वैरायटी है वो कुछ इस तरीके से, एक हैलोजन, एक सेकेंड, एक दूसरे कलर से ड्रॉ करती हूँ, और यहाँ पे एक और हैलोजन ले लेते हैं, और यहाँ पे है आपका हाइड्रोजन। सेकेंड वैरायटी जो है आपकी वो ये वाली है CH3, CH2, CH2, X। ज़रा इधर चेक करो, अगर आप ध्यान से देखते हो ये दोनों केसेस में दो ही हैलोजन है। अगर आप इस कंपाउंड को देखते हो तो यहाँ पे भी आपके दो ही हैलोजन आइटम अटैच है। मतलब ये भी कंपाउंड आपके डाई हैलोजन कंपाउंड का ही एग्जाम्पल है। अगर आप इसको देखते हो तो इसमें भी आपके सिर्फ और सिर्फ दो ही हैलोजन अटैच है। मतलब ये भी आपके डाई हैलोजन कंपाउंड का ही एग्जाम्पल है। तो फिलहाल मुझे इतना समझ में आया कि ये भी मेरे डाई हैलोजन कंपाउंड का एग्जाम्पल है, ये भी डाई हैलोजन कंपाउंड का एग्जाम्पल है, क्योंकि दोनों के केस में दो ही डाई हैलोजन आते हैं, दो ही हैलोजन आइटम आते हैं। अब ये जो होता है ना, इसका नाम होता है आपका जेमिनल डाई हैलाइड। इसका नाम क्या होता है? जेमिनल डाई हैलाइड। और इसका नाम होता है विसिनल डाई हैलाइड। ठीक है भाई, ये नाम बुक में नहीं दिए, बट आपको ये नाम याद रखना है। जेमिनल का मतलब क्या होता है? दोनों के दोनों हैलोजन, ज़रा ध्यान से सुनना, दोनों के दोनों हैलोजन सेम कार्बन को अटैच है, दोनों के दोनों हैलोजन सेम कार्बन को अटैच है, तो आप उसको जेमिनल डाई हैलाइड बोलते हैं। मैंने डाई हैलाइड क्यों बोला है? क्योंकि हैलोजन दो है, लेकिन ये दोनों के दोनों हैलोजन सेम कार्बन को अटैच है, एक ही कार्बन को अटैच है, तो आप उसको जेमिनल डाई हैलाइड बोलेंगे। अगर इसमें बात करते हैं भाई, ये भी आपके डाई हैलोजन कंपाउंड का ही एग्जाम्पल है, क्योंकि इस कंपाउंड में दो ही हैलोजन है, लेकिन आपने पता है क्या ऑब्जर्व किया? आपने ये ऑब्जर्व किया कि दोनों के दोनों हैलोजन अलग अलग कार्बन को अटैच है। एक हैलोजन एक कार्बन को अटैच है, एक दूसरा हैलोजन दूसरे कार्बन एटम को अटैच है, तो इसका नाम क्या होता है? विसिनल डाई हैलाइड। तो आपको याद रखना है कि दोनों के दोनों हैलोजन अगर सेम कार्बन को अटैच है तो जेमिनल डाई हैलाइड, दोनों के दोनों हैलोजन अगर अलग अलग कार्बन को अटैच है, एक हैलोजन एक कार्बन एक कार्बन को, तो आप उसको क्या बोलेंगे? विसिनल डाई हैलाइड। ठीक है, इसी में आपका एक और एग्जाम्पल ये वाला भी आ सकता है, आप ये वाला एग्जाम्पल भी इसके अंदर में ले सकते हो। ये मैं आपको अभी समझाने वाली हूँ, तो इसलिए मैंने आपको एरोमेटिक वाला इसमें नहीं पढ़ाया, क्योंकि ये मैं अलग से पढ़ाने वाली हूँ आपको। अगर मैं बात करती हूँ ट्राई हैलोजन की, तो आप लोग ही ज़रा बता दो ट्राई मतलब क्या होता है? थ्री। मतलब ऐसे कंपाउंड में टोटल हैलोजन्स कितने अटैच रहेंगे? थ्री। तो आप इसको बिल्कुल इस तरीके से भी क्लासीफाई कर सकते हो, CH2, CH2, CH2। यहाँ पे नाम ही है ट्राई हैलोजन कंपाउंड, मतलब हैलोजन आइटम टोटल थ्री अटैच रहेंगे, तो 1, 2, 3। तो इस तरीके से ये हुआ आपका
सेकेंड वे ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव ये किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन आइटम, कितने हैलोजन आइटम अटैच है। अगर एक है तो मोनो, दो है तो डाई, लेकिन डाई में दो टाइप याद रखना है, जर्मिनल और विसिनल, और थर्ड होता है आपका ट्राई हैलोजन कंपाउंड। तो ले लो इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट। चलिए भाई अब हम लोग आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हैलोजन कंपाउंड्स। हम लोगों ने मोनो हैलोजन, डाई हैलोजन, ट्राई हैलोजन देखा, लेकिन आप लोग पता है इंटरेस्टिंगली ज़रा देखो कि ये जो मोनो हैलोजन कंपाउंड है ना, इसमें इतनी सारी खतरनाक वेराइटीज़ हैं जो आप लोगों ने आज तक कभी सुनी भी नहीं होंगी। ये ऐसे ऐसे नाम आते हैं जो आपके लिए अभी थोड़े से न्यू रहेंगे। ये नेम्स जो थे ये 11th स्टैंडर्ड में नहीं आए थे क्योंकि वहाँ पे उतना डिटेल नहीं था स्टडी। 12th में आने के बाद में थोड़ा सा डिटेल हो जाता है, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे स्पेसिफिकली क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हैलोजन कंपाउंड, कि मोनो हैलोजन कंपाउंड के अंदर में और ऐसे कौन से क्लासिफिकेशंस है, और ऐसे कौन से कंपाउंड्स है जो इसके अंदर में आते हैं। चलिए देखते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना। चलिए भाई देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हैलोजन कंपाउंड। क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हैलोजन कंपाउंड, मोनो हैलोजन कंपाउंड को हम लोगों ने क्लासिफाई किया है। अगर मैं इस टाइप के क्लासिफिकेशन की बात करती हूँ, तो इस टाइप के क्लासिफिकेशन में सबसे खास बात जो है वो ये है कि सभी जितने भी कंपाउंड इसके अंदर में आएंगे, सभी जितनी भी वेराइटी इसके अंदर में आएंगी, सभी इसके जितने भी क्लासिफिकेशंस रहेंगे, सबके अंदर में सिर्फ और सिर्फ एक ही हैलोजन एटम अटैच रहेगा। क्यों ऐसा? क्योंकि जितने भी क्लासिफिकेशंस अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये सारे के सारे क्लासिफिकेशंस हैं मोनो हैलोजन कंपाउंड के। मतलब ये सारे के सारे क्लासिफिकेशंस में सिर्फ और सिर्फ आपका एक ही हैलोजन एटम अटैच रहेगा भाई, समझे या नहीं समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है वो मैं टैबुलर फॉर्म में आपको नहीं बता रही हूँ, क्योंकि अगर मैंने क्लासिफिकेशंस को टैबुलर फॉर्म में बताया तो मैं डिटेलली आपको उस चीज़ को बता नहीं पाऊंगी, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप जो आपका होता है इसका, वो होता है आपका हेलो एल्कीन। फर्स्ट टाइप आपका होता है इसका, उसका नाम होता है हेलो एल्कीन, ठीक है। इसी हेलो अल्केन को आप अल्काइल हैलाइड भी बोलते हो। ये आपका फर्स्ट टाइप का क्लासिफिकेशन होता है हैलोजन डेरिवेटिव्स का, या मोनो हैलोजन डेरिवेटिव का। चलिए इसमें अगर मैं बात करती हूँ तो इसमें आपको टोटल 3 वैरायटी देखने को मिलती है। फर्दर क्लासिफिकेशन, जो पहला वैरायटी होता है वो होता है आपका प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंड होता है आपका सेकेंडरी, और थर्ड होता है आपका टर्शियरी। इसी 1-0 को आप प्राइमरी भी बोल सकते हो, प्राइमरी अल्किल हैलाइड। इस 2-0 को आप बोलेंगे सेकेंडरी अल्किल हैलाइड, और इस 3-0 को आप बोलेंगे टर्शरी अल्किल हैलाइड। ठीक है, तो फिलहाल मुझे इतना समझ में आया कि पहला जो क्लासिफिकेशन है वो है आपका हेलो अल्किन और अल्किल हैलाइड। इसमें मैंने फिर 3 चीजें देखी। पहली चीज़ जो है वो है आपका 1-0, उसी को आप प्राइमरी अल्किल हैलाइड भी बोल सकते हो। 1 का मतलब क्या होता है? प्राइमरी, और ये क्या है? अल्किल हैलाइड, जो प्राइमरी अल्किल हैलाइड। 2 का मतलब क्या होता है? सेकेंडरी, और ये किसका क्लासिफिकेशन है? अल्किल हैलाइड का, तो सेकेंडरी अल्किल हैलाइड। 3 का मतलब क्या होता है? टर्शियरी, और अल्किल हैलाइड के तो मैंने क्या लिखा? टर्शियरी अल्किल हैलाइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिमाग में बड़े क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन ये आते हैं कि मुझे कैसे पता चलेगा कि कार्बन प्राइमरी है, या कार्बन सेकेंडरी है, या कार्बन टर्शरी है। मुझे कैसे पता चलेगा कार्बन प्राइमरी है, या कार्बन सेकेंडरी है, या कार्बन टर्शरी है? मैंने इस एक्शन से एक्चुअली बता दिया है। चलिए समझते हैं उस चीज़ को कि प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी एक्चुअली होता क्या है। अगर आपको प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी पता ही नहीं है, तो आने वाले सारे के सारे चैप्टर्स में, अल्कोहल फिनॉल ईथर्स में, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में, अमीन्स वाले चैप्टर में बड़ा प्रॉब्लम जाता है। इसलिए मैं आपका डाउट अभी के अभी क्लियर कर देती हूँ। अगर ये डाउट अभी क्लियर हो गया ना, तो आपका पूरा का पूरा प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगा। चलिए देखते हैं इस पार्ट को। सबसे पहली चीज़ ये है, मैंने एक कार्बन को लिया है, ठीक है, एक कार्बन को लिया है और यहाँ पे एक और कार्बन लगा दिया है, ठीक है भाई। इसको मैंने हैलोजन से अटैच कर दिया है, इसको मैंने हैलोजन से अटैच कर दिया है। ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ सेकेंडरी की, मैंने समझा के नहीं दिया है, मेरे को पता है मैं समझा के देने वाली हूँ, थोड़ा सा वेट करो बस, थोड़ा सा वेट करो बस।
अब ज़रा इधर ध्यान देना। सबसे पहली चीज़ ये है, आप अल्किल हैलाइड को अभी छोड़ दो। बस आप पहले इतना देखो कि जिस कार्बन से हैलोजन अटैच है, जिस कार्बन से हैलोजन अटैच है वो है आपका ये वाला कार्बन। जिस कार्बन से आपका हैलोजन अटैच है वो है आपका ये वाला कार्बन। यहाँ पे जिस कार्बन से हैलोजन अटैच है वो है आपका ये वाला कार्बन। यहाँ पे जिस कार्बन से हैलोजन अटैच है वो है आपका ये वाला कार्बन। ज़रा ध्यान देना है, बहुत 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 काम की चीज़ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये चीज़ क्लियर हो गई, आने वाले सभी चैप्टर्स में आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं जाएगी। कहना मुझे ये है, इस कंपाउंड के अंदर में हैलोजन जो है, एक्स एटम जो है वो इस कार्बन से अटैच है, इससे नहीं है। इस कंपाउंड के अंदर में जो आपका हैलोजन है, जो आपका एक्स एटम है वो इस कार्बन से अटैच है। इस कंपाउंड के अंदर में जो आपका हैलोजन है, जो आपका एक्स एटम है वो इस कार्बन से अटैच है। अब ज़रा देखो, ये वाला जो अंडरलाइन कार्बन, ये टोटल कितने कार्बन से अटैच है? अंडरलाइन कार्बन टोटल कितने कार्बन से अटैच है भाई? सिर्फ और सिर्फ अंडरलाइन वाला कार्बन एक ही कार्बन से अटैच है। सिर्फ और सिर्फ अंडरलाइन वाला कार्बन एटम एक ही कार्बन से अटैच है, इसीलिए इसका नाम भी क्या है? प्राइमरी। प्राइमरी का मतलब ये होता है कि जिससे भी आपका फंक्शनल ग्रुप अटैच है, एक ऐसा कार्बन जिससे आपका कोई भी फंक्शनल ग्रुप अटैच हो या तो कोई भी हैलोजन अटैच हो, वो कार्बन अगर सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच है तो आप उसको प्राइमरी अल्किल हैलाइड बोलते हो। इधर आ जाओ, अगर मैं बात करती हूँ इस कार्बन की, अंडरलाइन वाले कार्बन की, अंडरलाइन वाला कार्बन आपके फंक्शनल ग्रुप से अटैच है, अंडरलाइन वाला कार्बन आपके हैलोजन से अटैच है, ये अंडरलाइन कार्बन टोटल कितने कार्बन से अटैच है? ज़रा देखो इधर, 1, 2, 3, ज़रा ध्यान दो, 3 या 2, बड़ा कन्फ्यूजन होता है। कुछ लोग इसको 3 बोलते हैं, कुछ लोग इसको 2 बोलते हैं, लेकिन मेरा क्वेश्चन ज़रा ध्यान से सुनो। मैंने आपको क्वेश्चन बोला है, जो आपका अंडरलाइन वाला कार्बन है, मतलब ही वो कार्बन जो आपके फंक्शनल ग्रुप से अटैच है, मतलब वो कार्बन जो आपके हैलोजन से अटैच है, वो टोटल कितने कार्बन से अटैच है? टोटल कितने कार्बन से अटैच है? कितने कार्बन से अटैच है? 1 और 2, इसलिए नाम भी क्या है? सेकेंडरी अल्किल हैलाइड। मतलब अगर फंक्शनल ग्रुप अटैच कार्बन एटम, मतलब ऐसा कार्बन एटम जिससे हैलोजन अटैच है, अगर वो सिर्फ और सिर्फ 2 ही कार्बन से अटैच है तो उसको आप सेकेंडरी बोलेंगे। इधर आ जाओ, अगर आप अंडरलाइन वाले कार्बन एटम को देखते हो, मतलब ही आप वो कार्बन एटम को देखते हो जो हैलोजन से अटैच है, जो फंक्शनल ग्रुप से अटैच है, तो वो कार्बन आपके टोटल 3 कार्बन से अटैच है। वो कार्बन आपके टोटल 3 कार्बन से अटैच है, इसीलिए आप उसको क्या बोलेंगे? टर्शियरी। ये चीज़ इसीलिए मैंने इतना डिटेल में बताया क्योंकि ये हर एक चैप्टर में आने वाला है, हर एक चैप्टर में। तो सीधी सीधी बात, जो कार्बन आपके फंक्शनल ग्रुप से अटैच है, इस चैप्टर में हैलोजन डेरिवेटिव में हैलोजन आएगा, अल्कोहल में OH आएगा, फिनॉल में OH आएगा, ईथर में ऑक्सीजन आएगा, एल्डिहाइड में C डबल बॉन्ड OH आएगा, कीटोन में C डबल बॉन्ड O आएगा, ईस्टर में C डबल बॉन्ड O आएगा, अमीन में NH2 आएगा, साइनाइड में CN आएगा, ठीक है भाई, बायोमोलिक्यूल्स में COOH भी आएगा, और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आएगी। मतलब ये फंक्शनल ग्रुप कोई भी अटैच हो सकता है, इसीलिए मैं फंक्शनल ग्रुप बोल रही हूँ। ये वैरी करते जाएगा हर चैप्टर में, लेकिन जो मेरा फंडा है वो सेम रहेगा। अगर फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच है तो प्राइमरी, अगर फंक्शनल ग्रुप से अटैच कार्बन 2 कार्बन से अटैच है तो सेकेंडरी, अगर फंक्शनल ग्रुप से अटैच कार्बन 3 कार्बन से अटैच है, अगर फंक्शनल ग्रुप से अटैच कार्बन 3 कार्बन से अटैच है तो उसी का नाम क्या रहेगा भाई? उसी का नाम क्या रहेगा भाई? टर्शियरी कार्बन एटम। इसलिए मैंने अकॉर्डिंगली उसका नाम दे दिया, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते, सेकेंड वे ऑफ क्लासिफिकेशन इस चीज़ का, सेकेंड वे आपका होता है अलाइलिक हैलाइड। सेकेंड होता है भाई आपका अलाइलिक हैलाइड, बट अलाइलिक को देखने से पहले मुझे आपको विनाइलिक पढ़ाना है। बुक में अलाइलिक दिया है, बट मैं आपको पहले विनाइलिक पढ़ाऊंगी, क्योंकि विनाइलिक पढ़े बिना आप अलाइलिक को नहीं पढ़ सकते। इधर देखना ज़रा, विनाइलिक का मतलब क्या होता है? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। विनाइलिक का मतलब क्या होता है भाई? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। अगर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से आपका एक हैलोजन अटैच है, अगर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से आपका एक हैलोजन अटैच है तो आप इसको विनाइलिक कार्बन बोलते हो। यहाँ पे आपका कुछ भी आ सकता है। चलो लेट अस से मैं यहाँ पे हाइड्रोजन को अटैच कर देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़ ना हो।
तो फिलहाल आपको इतना याद रखना है, विनाइलिक वर्ड याद रखो, हर चैप्टर में विनाइलिक आएगा, लेकिन एक्स के जगह पे अलग अलग फंक्शनल ग्रुप आएंगे। इस चैप्टर में एक्स आया है, अल्कोहल में ओ एच आएगा, अल्डेहाइड में सी डबल बॉन्ड ओ एच आएगा, कीटोन में सी डबल बॉन्ड ओ आएगा, अमीन में एन एच टू आएगा। ये वैल्यू चेंज होते जाएगा, ये फंक्शनल ग्रुप चैप्टर वाइज चेंज होगा, लेकिन फंडा सेम रहेगा। फंडे को अभी क्लियर कर लो भाई, हर चैप्टर में तो मैं फंडा क्लियर नहीं कराऊंगी। तो इसका नाम क्या है? विनाइलिक हैलाइड। और विनाइलिक मतलब क्या होता है? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से अगर फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से अगर फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच है, इस चैप्टर के अंदर में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से अगर हैलोजन डायरेक्टली अटैच है, तो उसी को आप लोग क्या बोलते हो? विनाइलिक हैलाइड। समझे या नहीं समझे भाई? विनाइलिक वर्ड याद रखना। विनाइलिक का मतलब ये होता है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से कोई भी चीज़ डायरेक्टली अटैच है, डायरेक्टली अटैच, उसको क्या बोलेंगे? विनाइलिक। अब क्या हुआ, विनाइलिक के बाद में आई थर्ड जनरेशन, और थर्ड जनरेशन जो थी उसका नाम दिया गया अलाइलिक हैलाइड। थर्ड का नाम है भाई अलाइलिक हैलाइड। अलाइलिक में क्या होगा, ज़रा ध्यान देना इधर। अलाइलिक में क्या होता है भाई, आपने कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को लिया, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को लिया, अगर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से हैलोजन डायरेक्टली अटैच था, तो आपने उसको क्या बोला? विनाइलिक हैलाइड। अब यहाँ पे क्या होगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के बाद में एक कार्बन आएगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के बाद में एक कार्बन आएगा, और उससे आपका हैलोजन अटैच रहेगा, और उससे आपका हैलोजन अटैच रहेगा, तो इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे? अलाइलिक हैलाइड। इसी चीज़ को आप लोग क्या बोलेंगे भाई? अलाइलिक हैलाइड बोलेंगे। समझे या नहीं समझे? तो बस अभी फिलहाल मैंने इतना जाना, विनाइलिक मतलब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से हैलोजन डायरेक्टली अटैच है, उसको विनाइलिक बोलेंगे। अलाइलिक में क्या होगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के बाद में एक और कार्बन आएगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के बाद में एक और कार्बन आएगा, और उससे फिर हैलोजन आपका अटैच रहेगा, तो उसी को आप लोग सारे के सारे क्या बोलेंगे? अलाइलिक हैलाइड। समझ गए ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। जो आपका फोर्थ टाइप होता है, फोर्थ टाइप का नाम होता है बेंजाइलिक हैलाइड। फोर्थ टाइप का नाम क्या होता है भाई? बेंजाइलिक हैलाइड। अब बेंजाइलिक हैलाइड का मतलब ये होगा, दिमाग में क्वेश्चन आता है इसका नाम बेंजाइलिक क्यों है, बड़े कॉम्प्लिकेशंस होते हैं दिमाग में, इसका नाम बेंजाइलिक क्यों है और मुझे कैसे पता चलेगा? इधर ध्यान देना, बेंजाइल का में बेंज आता है, बेंज, और इस बेंज का मतलब क्या होता है? बेंजीन रिंग। इस बेंज का मतलब क्या होता है भाई? बेंजीन रिंग। तो मैंने एक बेंजीन रिंग को ड्रॉ किया, मैंने इस बेंजीन रिंग को ड्रॉ किया। आप इसके अंदर अंडरलाइन देके भी कर सकते हो और गोल देके भी कर सकते हो, मुझे बड़ा पसंद है गोल देके करना, इसमें गलती भी नहीं होती और टाइम भी सेव हो जाता है। इससे आपने एक CH2 ग्रुप को अटैच किया, और फिर उससे अगर हैलोजन अटैच है, तो इसी को आप लोग सारे के सारे क्या बोलते हो? बेंजाइलिक हैलाइड। क्लियर है इतना? प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी समझा। विनाइलिक में क्या होता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से हैलोजन डायरेक्टली अटैच होता है। अलाइलिक में क्या होता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के बाद में एक और कार्बन आता है, और फिर उससे हैलोजन अटैच होता है। बेंजाइलिक में क्या होता है, बेंज नाम खुद बता रहा है कि वो बेंजीन से आया है, और बेंजीन मतलब क्या होता है? बेंजीन रिंग। इसलिए पहले मैंने बेंजीन रिंग को ड्रॉ किया, फिर मैंने CH2 को ड्रॉ किया, और उसके बाद में मैंने एक्स को लगाया, तो उसी को आप क्या बोलते हो? बेंजाइलिक हैलाइड। बाकी चैप्टर्स में हैलोजन के जगह कुछ अलग आएगा, बट ये वाली चीज़ यही रहेगी आपकी, ठीक है। इसके बाद में आपका जो फिफ्थ टाइप होता है भाई, वो होता है आपका हेलो अल्काइन। फिफ्थ टाइप आपका जो होता है वो होता है हेलो अल्काइन। चलिए भाई देखते हैं हेलो अल्काइन को, कि हेलो अल्काइन क्या कहता है। हेलो अल्काइन में क्या होता है, आप लोगे कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। एक चीज़ याद रखना है, यहाँ पे अल्काइन है, हम लोगों ने आज के क्लास में स्टार्टिंग में देखा था कि अल्केन में कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन होता है, अल्किन में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होता है, और अल्काइन में कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन होता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन होता है। तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन आया, उससे आपका हैलोजन अटैच रहेगा, तो ये क्या हुआ भाई? ये हुआ आपका हेलो अल्काइन। चलिए लास्ट टाइप जो इसका बचता है वो होता है हेलो अरीन्स। हेलो अरीन्स आपका लास्ट टाइप होता है। हेलो अरीन्स में क्या होता है, अरीन। अरीन का मतलब ही क्या होता है भाई, अरीन का मतलब होता है आपकी एरोमेटिक रिंग। अरीन का मतलब क्या होता है, एरोमेटिक रिंग। तो सबसे पहले आपने एरोमेटिक रिंग को ड्रॉ किया, सबसे पहले आपने एरोमेटिक रिंग को ड्रॉ किया,
और उससे आपने हेलोजन को अटैच कर दिया, ठीक है। तो ये हुआ आपका हेलो अरेंज। तो फिलहाल मैंने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हेलोजन कंपाउंड, उसमें फर्स्ट टाइप था आपका हेलो अल्केन, जिसमें सभी जगह पे कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन थे बट वैरायटी डिफरेंट थी, ये याद रखना, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। सेकेंड मैंने आपको बताया विनाइलिक, जिसमें क्या होता है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से डायरेक्टली हेलोजन अटैच होता है। तीसरा था अलाइलिक, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के बाद में एक और कार्बन आता है और फिर उससे हेलोजन अटैच होता है। बेंजाइलिक, बेंजीन रिंग, CH2 ग्रुप और फिर हेलोजन। हेलो अल्काइन, अल्काइन में कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन होता है और अरीन में क्या होता है एरोमेटिक रिंग से आपका हेलोजन अटैच होता है। तो लो जल्दी से सारे के सारे इसका स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम लोगों ने सारी चीज़ें देख ली, क्लासिफिकेशन पूरा पढ़ लिया, अब मूव करते हैं IUPAC और कॉमन नेम्स कैसे देंगे हेलोजन डेरिवेटिव्स वाले कंपाउंड को। चलिए गाइस देखते हैं फटाफट से कि हम लोग किस तरीके से अलग अलग नेम्स देंगे IUPAC नेम और कॉमन नेम अलग अलग टाइप के हेलोजन डेरिवेटिव्स वाले कंपाउंड को। डायरेक्टली बुक वाले नेम्स को मत पढ़ना, पहले उसके पहले आपको कुछ बेसिक बताना पड़ेगा और वो बेसिक मैं अभी आपको बताऊंगी। वो बेसिक आप ध्यान से सुनेंगे और उसके बाद में आप लोग खुद भी घर में ट्राई करके देख सकते हो, और अगर करके आता है तो बहुत बढ़िया बात है, और नहीं आता है तो मैं आपके साथ में हूँ, तो मैं नेक्स्ट वाले क्लास में आपको उसको बताने वाली हूँ, उससे पहले मैं आपको बेसिक बता देती हूँ। चलिए देखते हैं बेसिक को, बेसिक बहुत काम का है, किसी भी बुक में गूगल पर भी आपको ये बेसिक नहीं मिलेगा, अगर गूगल में मिलेगा तो फ्रैगमेंटेड फॉर्म में मिलेगा, एक साथ में नहीं मिलेगा, ठीक है भाई। चलिए देखते हैं इस पार्ट को। चलिए भाई बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगर मैं बात करती हूँ नेमिंग ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव कंपाउंड्स, नेमिंग ऑफ हेलो कंपाउंड्स, अगर हेलो कंपाउंड्स या हेलोजन डेरिवेटिव रिलेटेड कंपाउंड्स को आपको नेमिंग देने का है तो नेम आप दो वे में दे सकते हो। सबसे पहला वे है आपका कॉमन नेम और सेकेंड वे है आपका IUPAC नेम। अब दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि कॉमन नेम और IUPAC नेम रिएक्शन लिखते वक्त कौन सा नेम लिखे, जैसे आप लिखते हो ना रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट, तो रिएक्टेंट के नीचे आप कॉमन नेम लिखेंगे या IUPAC नेम। याद रखना कॉमन नेम और IUPAC नेम दोनों को इक्वली वेटेज होता है, दोनों ही इक्वली इम्पोर्टेंट है। आपको जो नाम बहुत अच्छे से आते आप वो नाम रिएक्शन के नीचे में उनको डिस्क्राइब करने के लिए लिख सकते हो, जैसे रिएक्टेंट का नेम क्या उसके नीचे लिखते हैं ना, तो आप कोई भी वे यूज़ कर सकते हो, प्रोडक्ट के लिए भी आप कोई भी वे यूज़ कर सकते हो। IUPAC नेम से आपको हर साल 2 मार्क का एक क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलता है, 2 मार्क का भी होता है, कभी कभार 1 मार्क का आता है। आपको 2 कंपाउंड दिए रहेंगे और पूछा जाएगा कि इनका IUPAC नेम बताओ, ठीक है, या तो आपको 2 कंपाउंड दिए रहेंगे पूछा जाएगा इनका कॉमन नेम बताओ, या तो आपको 2 कंपाउंड के नाम दे रहे हैं, आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा, किसी भी वे से आ सकता है। याद रखना पहला वे है नाम दिया रहेगा, स्ट्रक्चर बनाना रहेगा, ये फर्स्ट वे, यहाँ से हर साल एक पेपर में आता है, डैम श्योर एक पेपर में आता है, या तो फिर स्ट्रक्चर दिया रहेगा उससे आपको पूछा जाएगा इसका कॉमन नेम लिखो, ये सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है। थर्ड टाइप का क्वेश्चन है स्ट्रक्चर दिया जाएगा और पूछा जाएगा IUPAC नेम लिखो इसका, कैसे भी आ सकता है, ठीक है भाई, तो एकदम बढ़िया तरीके से करने का है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ से पेपर में आता है, पेपर का एनालिसिस किया इसलिए मैं आपको वो भी बताऊँगा चलूँगी। चलिए मतलब आपको पेपर देखने का कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए अगर मैं बात करती हूँ कॉमन नेम की, ठीक है भाई, अगर मैं बात करती हूँ ना कॉमन नेम्स की, तो कॉमन नेम में कुछ स्पेसिफिक चीज़ होती है जो आपको याद रखना होता है, स्पेशली आपके अल्किल के नेम होते हैं, कुछ अल्किल के नेम होते हैं वो आपको याद रखने होते हैं, ठीक है। ये होता है आपका एलिफैटिक के केस में, ये अभी फ़िलहाल आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा लेकिन धीरे धीरे सब समझ में आएगा, और एरोमेटिक के केस में आप वहाँ पे यूज़ करेंगे अलग अलग पोजीशन, जैसे कि ऑर्थो पैरा मेटा, ये सब मैं समझाने वाली हूँ। अगर मैं बात करती हूँ IUPAC नेम की, तो IUPAC में आपको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहला रूल जो आपको IUPAC में फॉलो करना होता है वो ये होता है सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट अल्किल चेन। सबसे पहला रूल होता है आपका सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट अल्किल चेन, ये आपका पहला रूल होता है। अब ये रूल्स आपके बुक में नहीं दिए क्योंकि ये चीज़ ऑलरेडी 11th में डिस्कस हो चुकी थी, और मुझे पता है शायद आपने 11th का नहीं भी देखा होगा, तो आपको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है,
ऑर्गेनिक पढ़ाने से पहले जितना भी आपके 11th का बेसिक है वो मैं आपको पहले बताऊंगी, उसके बाद में फिर मैं 12th का स्विच करूंगी ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं जाए, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वोलेटाइल होता है, सभी को पता है, ये उड़ जाता है बस भाई दिमाग से उड़ जाता है। याद रखना है सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट अल्किल चेन, इसका मीनिंग ज़रा जान लो क्या होता है। सपोज आपको कुछ इस टाइप की अल्किल चेन दिए, ठीक है, सेकेंड आपको कुछ इस टाइप की अल्किल चेन दिए, ज़रा ध्यान देना मैं क्या बताना चाहती हूँ आपको, ठीक है। अब मैं आपकी बात कर रही हूँ इस वाली टाइप की अल्किल चेन की। अगर हम लोग दोनों एग्जांपल को कंसिडर करें, अगर आप फर्स्ट एग्जांपल को कंसिडर करते हो तो फर्स्ट एग्जांपल में आपने ये देखा आपको दो चेन देखने को मिलती है, एक है आपकी 3 कार्बन वाली चेन और एक है आपकी 2 कार्बन वाली चेन। अगर आपको पैरेंट चेन सेलेक्ट करना है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट अल्किल चेन एज पैरेंट चेन, अगर आपको पैरेंट चेन सेलेक्ट करना है तो आपके सामने दो ऑप्शन है, एक है बड़ा वाला ऑप्शन, एक है बड़ी वाली चीज़, बड़ी वाली लेंथ वाली रिंग जिसमें 3 कार्बन है, और सेकंड है आपकी 2 कार्बन वाली चेन। लेकिन रूल क्या कहता है, आप हमेशा लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करेंगे, इसका मतलब आपकी ये वाली चेन को आप सिलेक्ट नहीं करेंगे एज अ लॉन्गेस्ट चेन, आप ये वाली चेन को सिलेक्ट करेंगे एज अ पैरेंट चेन, क्योंकि इसमें 3 कार्बन है। अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर आपको दो चेन देखने को मिल रही है, एक है आपकी ये वाली चेन और एक है आपकी ये वाली चेन। इन दोनों में से आपकी पैरेंट चेन कौन सी रहेंगी? पैरेंट चेन का मतलब होता है लॉन्गेस्ट अल्किल चेन। अगर आप इस चेन को देखते हो तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 ही कार्बन है, मतलब ये वाली चेन छोटी है, तो ये आपकी पैरेंट चेन नहीं है। अगर आप इस चेन को देखते हो तो इसमें बहुत सारे कार्बन है, 1, 2, 3, 4, 5, इस चेन के अंदर में 5 कार्बन है, इस चेन के अंदर में ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन है, ये अल्किल चेन लेंथ बड़ी है, इसलिए ये आपकी क्या रहेगी, पैरेंट चेन। तो हमेशा IUPAC में नाम देते वक्त आपको पैरेंट चेन बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड रूल आपका जो IUPAC का होता है, सेकेंड रूल आपका वो होता है भाई कि आपको हमेशा नंबरिंग करना पड़ता है, ऑलवेज गिव नंबर्स, आपको हमेशा नंबरिंग करना होता है IUPAC नेम देते वक्त। नंबरिंग के बिना आप IUPAC नेम को नहीं लिख सकते, जबकि कॉमन नेम में नंबरिंग का कोई नीड नहीं होता है, बट IUPAC नेम में हमेशा आपको नंबरिंग देना पड़ता है, ठीक है। तीसरी थिंग जो आपकी है वो ये है कि अगर मैं नंबरिंग की बात करती हूँ तो नंबरिंग के लिए एक प्रायोरिटी ऑर्डर फॉलो होता है, ठीक है, नंबरिंग के लिए एक प्रायोरिटी का ऑर्डर फॉलो होता है, प्रायोरिटी ऑर्डर। प्रायोरिटी ऑर्डर ये कहता है कि अल्कीन और अल्काइन की सेम प्रायोरिटी होती है, उसके बाद में आपका हैलोजन आता है और उसके बाद में आपका अल्किल आता है, इस तरीके से आपका प्रायोरिटी ऑर्डर फॉलो होता है। मतलब नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जहाँ से ईएस वाला साइड हो, जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ इस साइड की, ठीक है भाई। अब ज़रा ध्यान देना, यहाँ पे नंबरिंग दो वे से हो सकती है। पहला वे जो है नंबरिंग का वो ये है कि मैं नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करूँगी, 1, 2 और 3। सेकेंड वे है 1, 2, 3, एक नंबरिंग यहाँ से, एक नंबरिंग यहाँ से। अब आपको नंबरिंग हमेशा किसके पहले स्टार्ट करनी है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से। अगर आप यहाँ से नंबरिंग देखते हो तो यहाँ पे आपने नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट की, हैलोजन से, जो कि गलत है। प्रायोरिटी के हिसाब से क्या बोलता है प्रायोरिटी ऑर्डर, कि आप नंबरिंग पहले डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से स्टार्ट करेंगे, बाद में हैलोजन पे जाएंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की ज़्यादा वैल्यू है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की ज़्यादा प्रायोरिटी है हैलोजन से। तो आप हमेशा नंबरिंग किस साइड से स्टार्ट करेंगे, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से। तो ये वाला ऑर्डर सही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपने नंबरिंग जो है वो कौन से साइड से स्टार्ट की है, डबल बॉन्ड से, 1, 2, 3। और नीचे वाला क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पे आपने नंबरिंग हैलोजन से स्टार्ट की, जो कि रॉन्ग है, समझ गए ना। नंबरिंग हमेशा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, क्लियर है ये चीज़। चलिए अब आगे जो आपका पार्ट होता है वो ये होता है, वाइल राइटिंग नेम ऑलवेज राइट अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से ही आपको उसका नाम लिखना है।
अभी अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या होता है ज़रा इधर देखिए, कहना मुझे ये है, सपोज़ अगर मुझे लिखना है लेटेस्ट से मिथिल इथिल और प्रोपिल को, इसको मुझे अगर प्रॉपरली लिखना है तो ये ऑर्डर मेरा गलत है, क्योंकि मुझे हमेशा नंबरिंग कैसे देने का है, नंबरिंग देते तो आपको आ गया कि नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करना और कहाँ से नहीं। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से, नेम्स की अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से, तो आप ज़रा ध्यान दो, यहाँ पे एक है एम, एक है ई, एक है पी। ए बी सी डी में सबसे पहला वर्ड इन तीनों में से कौन सा आता है? ई आता है, पी आता है या एम आता है? ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, ई सबसे पहले आता है। तो आप सबसे पहले इथिल को लिखेंगे, उसके बाद में क्या आता है? ई एफ आई जे के एल एम, एम एम, उसके बाद में मिथिल आया, एम आया, फिर मिथिल को लिखेंगे, और पी सबसे लास्ट में आता है, इसलिए आप प्रोपिल को लिखेंगे। तो ये ऑर्डर आपका करेक्ट है। तो नाम लिखते वक्त कैसे नाम लिखना है? अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, जो वर्ड पहले आता है उसको पहले लिखेंगे, मतलब इथिल वर्ड पहले आता है, ई पहले आता है अल्फ़ाबेटिकल में, एम बाद में आता है, और पी सबसे लास्ट में आता है। आप हमेशा स्टार्टिंग के वर्ड को देख के ही अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से लिखेंगे। अब इसके लिए मेरे पास एक बहुत बढ़िया सा चार्ट है, वो चार्ट मैं नेक्स्ट वाले क्लास में लूँगी, क्योंकि अगर मैंने वो चार्ट आपको इस क्लास में पढ़ा दिया और कॉमन नेम और आईयूपीएससी नेम उस क्लास में पढ़ाऊँगी तो कोई मीनिंग नहीं है उसका, इसलिए मैं इस वाले क्लास को वो वाले क्लास में कंटिन्यू करूँगी। मैं आपको यहाँ पे कॉमन नेम का एक ऐसा चार्ट दूंगी जो बाकी गूगल पे भी आपको नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, इतना बढ़िया तरीके से वो चार्ट रहेगा। वो चार्ट करने के बाद में आप कॉमन नेम और आईयूपीएससी नेम तो यू कर लेंगे, इस चैप्टर के नहीं, आने वाले सारे चैप्टर के, ठीक है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई भी चैप्टर पढ़ना है तो ऐसे पढ़ो कि इस चैप्टर में तो काम में आए आए और आगे आने वाले रनिंग चैप्टर्स में भी काम में आए, जो भी फ्यूचर में आने वाले चैप्टर्स है ऑर्गेनिक में, क्योंकि ऐसा पढ़ना चाहिए कि एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गया ना तो बार बार फिर कन्फ्यूजन नहीं होता, इसलिए एक ही बार क्लियर कर लेना चाहिए, ठीक है? थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वाला पूरा का पूरा पार्ट नेक्स्ट वाले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आई होप जितना भी मैंने बेसिक पढ़ाया है इलेवंथ वाला और ट्वेल्थ वाला आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। प्लीज़ डू कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड लाइक टू। थैंक यू।